अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद सुहेल। आप देख रहे हैं क्रिकेट जोन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के 21वें मैच में पिशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक बआसानी पहुँचेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग के 21वें मैच के बाद आपके सामने पॉइंट टेबल शो हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के 21वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे डाली। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी टीम कितने नंबर पर है, कितने मैच खेल चुकी है, कितने हारी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी तरफ चलने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी पाकिस्तान सुपर लीग की अपडेट फ़ौरन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका फ़ायदा यह होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे अब तक बआसानी पहुंचेगी। दोस्तों, हम हर मैच के बाद फ़ौरन PSL अपडेट अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी भी आपको टाइम शो हो रहा होगा कि हमने कितने बजे अपलोड किया। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पहले नंबर पर पेशावर ज़ल्मी 7 मैच खेल चुकी है, 5 हारी है, 2 जीत हारी है, 5 जीती है, इनके 10 पॉइंट हैं। इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 मैच खेल चुकी है, 4 जीती 4 हारी 8 पॉइंट। क्विटा ग्लेडिएटर 6 मैच खेली है, 4 जीती है 2 हारी है 8 पॉइंट। लाहौर कलंदर 7 मैच खेल चुकी है, 3 जीती 4 हारी 6 पॉइंट। कराची किंग 7 खेली है, 3 जीती 4 हारी 6 पॉइंट। मुल्तान सुल्तान 7 खेली है, 2 जीती 5 हारी 4 पॉइंट। तो दोस्तों, आपके सामने अब आपको रन रेट दिखाता हूँ। रन रेट भी आप देख रहे हैं, आपके सामने शो हो रहा है। पिशावर ज़ल्मी 0.852, इस्लामाबाद यूनाइटेड 0.12, क्विटा ग्लेडिएटर 0.021, लाहौर कलंदर -0.341, कराची किंग -0.58, मुल्तान सुल्तान -0.07। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। मज़ीद PSL अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का शुक्रिया।